Hello student, how are you having all? Today we have to learn chapter number 5, lines and angles, page number 104 and topic 5.3.2, transversal. You might have seen a road crossing two or more roads or a railway line crossing several other line. देखो ये रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है। रेलवे क्रॉसिंग में जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक में क्या होता है कि इज लाइक दैट, ओके। सो टू रोड है और उसमें इंटरसेक्स होता है अदर रोड, ओके। सो कि यू माइट हैव सीन अ रोड क्रॉसिंग टू और मोर रोड और रेलवे लाइन क्रॉसिंग सर्वल अदर लाइन, द गिवन आइडिया ऑफ ट्रांसवर्सल, दिस इज अ गिवन आइडिया ऑफ ट्रांसवर्सल। वो किसकी आइडिया देता है? ट्रांसवर्सल की। दैट मीन्स टू और मोर लाइन को जो लाइन इंटरसेक्ट करती है वो क्या है? ट्रांसवर्सल है। वो क्या है? ट्रांसवर्सल है कि यहाँ पे देखो ये गैट है, गैट में आप देख सकते हो कि ये जो ट्री है वो हमारी लाइन है, ट्री लाइन, ओके। और ये जो वन लाइन है इंटरसेक्ट, वो क्या किसकी आइडिया देती है? दिस इज अ गिवन एंड आइडिया ऑफ अ ट्रांसवर्सल। देखो उसका डेफिनेशन क्या है, अंडरलाइन दिस डेफिनेशन, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन, दैट मीन आप देख सकते हो कि ये लाइन इंटरसेक्ट करती है टू और मोर लाइन, देन द डिस्टिंक पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल, ओके। देन हम नेक्स्ट ये लर्न करेंगे एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल 5.3.2, इम्पोर्टेंट टॉपिक 5.3.3, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। दैट मीन्स ये टू लाइन है और उसको ये इंटरसेक्ट करती है लाइन। सो ये इंटरसेक्ट लाइन क्या होगी, हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, दिस इज लाइन एल, दिस इज लाइन एम एंड दिस इज लाइन बी, ओके। यू कैन सी दैट कि लाइन एल एंड लाइन एम कट बाय अ ट्रांसवर्सल पी, ओके। लाइन एम एंड लाइन एम को कौन सी लाइन कट करती है? कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन पी। सो लाइन पी कट करने के बाद यहाँ पे कितने एंगल मेकिंग हो रहे हैं? 8। देखो हियर इज 1, हियर इज 2, हियर इज 3, हियर इज 4, ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 5, 6, 7 and 8, ओके। 5, 6, 7 and 8, 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7 and 8, ओके। सो नंबर वन इंटीरियर एंगल्स, दैट मीन्स जो इनसाइड एंगल है वो इंटीरियर एंगल्स और जो वो आउटसाइड एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल्स, ओके। इनसाइड एंगल कौन से है? तो यू कैन सी दैट कि 4, 3, 5 and 6 इनसाइड एंगल। सो एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 6, ओके, इट इज इनसाइड एंगल। एंड 1, 2, 8 and 7 आउटसाइड एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7, इट इज आउटसाइड एंगल, ओके। देन इज इट इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स। देन नंबर बी, पेयर ऑफ करस्पोंडिंग एंगल्स, सो इजी, पेयर ऑफ corresponding angle,
देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या करना है, वन एंगल को आपने पिकअप किया, देखो एंगल वन को पिकअप किया, ये पैर में होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल वन को पिकअप किया, फोर को लीव करके एंगल फाइव, इजी है ना। ओके देखो एंगल वन को आपने पिकअप किया, सो फोर को लीव करके नेक्स्ट एंगल क्या लेना है, फाइव, ये वन पैरिंग हुआ। सेकंड पैरिंग, सेकंड पैरिंग क्या है, फॉर एग्जांपल आपने फोर को पिकअप किया, एंगल फोर को पिकअप किया, सो फाइव को लीव करके एंगल एट, ये क्या है करोस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप फाइव को पिकअप करोगे सो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन होगी तो एंगल मेकिंग होगा वरना नहीं होगा। देखो हमने यहाँ पे टू को पिकअप किया, नंबर थ्री, एंगल टू को पिकअप किया, सो थ्री को लीव करके नंबर सिक्स। ओके थ्री को लीव करके नंबर सिक्स, अगर हमने यहाँ पे थ्री को पिकअप किया, एंगल थ्री को पिकअप किया, सो एंगल थ्री एंड, एंगल थ्री एंड सिक्स को लीव करके एंगल सेवन। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल दैट मीन्स वन एंगल को आपने पिकअप किया, सो ये फोर को लीव करके हमने क्या राइट डाउन किया, फाइव, सो पैरिंग क्या हुआ, वन एंड फाइव। देन आप हमने फोर को पिकअप किया, सो फाइव को लीव करके एट, सो पैरिंग क्या हुआ, फोर एंड एट। अब दूसरी साइड पे टू को पिकअप किया, सो थ्री को लीव करके सिक्स, टू एंड सिक्स, थ्री को पिकअप किया, सो सिक्स को लीव करके सेवन, थ्री एंड सेवन। दिस इज अ पेयर ऑफ करोस्पॉन्डिंग एंगल्स, इजी है। देन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स नंबर फोर्थ क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड नंबर फाइव अपोजिट पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो फिर से हम यहाँ पे फिगर मेकिंग करते हैं कि टू लाइन है और उसको पी लाइन कट करती है, दैट मीन्स जो लाइन कट करती है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। हियर इज लाइन एल, हियर इज लाइन एम। ओके सो एंगल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। अब अल्टरनेटिव एंगल वो जेड, जेड में जो एंगल मेकिंग हो रहा है वो क्या है, अल्टरनेट। दैट मीन्स एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे अल्टरनेट हुआ ना, सो यहाँ पे जेड ये मेकिंग हुआ। देखो ये फिगर में जेड टू मेकिंग होगा, एक दिस साइड और दूसरी अदर साइड, और जेड मेकिंग हुआ सो यहाँ पे कॉर्नर पे कौन सा एंगल है, थ्री एंड एट। आप देख सकते हो इंटीरियर एंगल है, सो फर्स्ट पेयरिंग एंगल थ्री एंड एंगल एट। और दूसरी साइड पे भी जेड मेकिंग हुआ, देखो ये जेड मेकिंग हुआ और यहाँ पे एंगल कौन सा है, थ्री एंड यहाँ पे एंगल है एट। और दूसरी साइड पे जेड मेकिंग हुआ, यहाँ पे एंगल कौन सा है, फोर्थ, और यहाँ पे क्या है, एंगल कौन सा है, फाइव। दूसरी साइड में जेड मेकिंग हुआ तो यहाँ पे एंगल कौन सा है, फोर्थ, और यहाँ पे कौन सा है, फाइव। सो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स में यहाँ पे सेकंड पेयरिंग क्या होगी, एंगल फोर एंड एंगल फाइव। और अब एक्सटीरियर में क्या लेना है, अपोजिट लेना है। यहाँ पे नंबर वन एक्सटीरियर में क्या लेना है, हमने देखो थ्री और एट और थ्री के ऊपर एंगल कौन सा है, टू, सो यहाँ पे एंगल टू, एंड एट के नीचे एंगल कौन सा है, सेवन, सो एंगल सेवन। और सेकंड पेयरिंग क्या होगी, ये जेड में यहाँ पे एंगल क्या आया, फोर एंड फाइव, सो फोर के ऊपर एंगल कौन सा है, वन, एंड फाइव के नीचे एंगल कौन सा है, सिक्स। ओके सो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल एंड पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल आपको पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई दूसरा एग्जांपल ले लिया, देखो इंटीरियर की बात करते हैं और एक्सटीरियर की, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ओके सो यहाँ पे मैंने लिया ए बी सी डी ई एफ जी एन एच। देखो अब हमें जेड लेना है, सो जेड जेड ले लिया,
और जेड में यहाँ पे कॉर्नर पे कौन सा एंगल आया, बी एंड एच, सो एंगल बी एंड एंगल एच, और बी के ऊपर कौन सा है एंगल ए, सो एंगल ए एंड एच के नीचे कौन सा है एंगल जी, वो एक्सटीरियर होगा, और दूसरे जेड में कॉर्नर पे कौन सा एंगल है, सी एंड डी, सो एंगल सी एंड सॉरी एंगल एंगल सी एंड एंगल ई, और सी सी के ऊपर एंगल कौन सा है डी, एंड ई के नीचे एंगल कौन सा है एफ, ओके सो ये हुआ। देखो हमने लर्न किए कि इंटीरियर एंगल सो इनसाइड एंगल 4, 3, 5, 6, एक्सटीरियर एंगल सो आउटसाइड एंगल 1, 2, 8, 7, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग में क्या किया हमने, 1 को पिकअप किया लीव देन 5, 4 को पिकअप किया 5 एंड 8, सो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था। और पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव एंगल डेट मीन्स ये जो फिगर है उसमें जेड मेकिंग होगा, जेड मेकिंग होगा, और जेड मेकिंग होने के बाद ये जो कॉर्नर पर जो एंगल बनता है वो अल्टरनेटिव एंगल होगा, और इनसाइड एंगल को हम इंटीरियर कहेंगे, और यहाँ पे जो आउटसाइड होगा वो उसको हम एक्सटीरियर कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया कि यहाँ पे कॉर्नर पे कौन सा एंगल आया 3 एंड 8, और एंगल 3 के ऊपर कौन सा एंगल है 2, और 8 के नीचे कौन सा एंगल है 7, सो 2 एंड 7, वो क्या है पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। देन लास्ट नंबर 6, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखो अब हमें सेम साइड का एंगल राइट डाउन करना है, दैट मीन्स फिगर हमारी ये है, हियर इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नंबरिंग आप कहीं से भी कर लो। अब पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल दैट मीन्स इनसाइड के एंगल है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड दैट मीन्स ये साइड है वो, ये एंड टू पार्टीशन है, देखो ये वन पार्टीशन एंड दिस इज अ अदर पार्टीशन, और पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड में नंबर सी, देखो एंगल सी मेकिंग करता है, क्या मेकिंग करता है एंगल सी, एंगल सी पे जो कॉर्नर पे जो एंगल है वो क्या होगा, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, दैट मीन्स ये देखो ये कैपिटल लेटर सी मेकिंग हुआ, और कैपिटल लेटर सी में यहाँ पे कॉर्नर पे एंगल कौन है 2 एंड 5, सो फर्स्ट पेयरिंग क्या होगी एंगल 2 एंड एंगल 5, एंड नंबर बी सेकंड पेयरिंग क्या होगी, यहाँ पे अदर साइड पे कॉर्नर पे एंगल कौन है 3 एंड 8, सो एंगल 3 एंड एंगल 8, दैट मीन्स पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज अ लेटर सी, लेटर सी में जो एंगल मेकिंग होता है वो पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और अल्टरनेटिव में जेड, अल्टरनेटिव में कौन सा एंगल मेकिंग होता है जेड, और कॉरस्पॉन्डिंग में क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग में क्या करना है कि वन एंगल को पिकअप किया दूसरे को लीव एंड थर्ड एंगल, ओके वो कॉरस्पॉन्डिंग है, और इंटीरियर टू एक्सटीरियर ईजी है। देन सो हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 5.2 ईजी है, ओके सो 5.2 नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ओके थैंक यू।